परम पूजनीय सद्गुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरि महाराज जी ने सात चक्रों के ऊपर दिव्य जानकारी प्रदान की। गुरुदेव जी ने कहा कि अगर कोई मनुष्य अगर एक चक्र को भी जागृत कर लेता है तो वह मनुष्य देवताओं जैसे पूजनीय हो जाता है। हमें सात चक्रों को जागृत करने के लिए, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए एक दिव्य गुरु, एक दिव्य मार्गदर्शक की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि इन चक्रों को जागृत करने के दौरान अगर थोड़ी भी त्रुटि होती है तो यह हमारी साधना, यह हमारा कार्य सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य में बदल जाएगा। और सातों चक्रों को जागृत करने के लिए, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि, ऐसे सीढ़ियों को पार करते हुए ही हम उस शिखर तक पहुंच सकते हैं। ये सात चक्र इस प्रकार हैं: मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। इन सात चक्रों को जो साधक सिद्ध महात्मा जागृत कर लेता है उन्हें परमहंस की उपाधि से संबोधित किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि एक ऐसे गुरु का आपको मार्गदर्शन मिले जिनके ये सातों चक्र जागृत है, जो आपको इन सातों चक्र को जागृत करने का गुप्त मार्ग बता सकते हैं, जो सद्गुरु आपको मूलाधार चक्र कैसे जागृत होता है, स्वाधिष्ठान चक्र कैसे जागृत होता है, मणिपुर चक्र कैसे जागृत होता है, अनाहत चक्र कैसे जागृत होता है, विशुद्ध चक्र कैसे जागृत होता है, आज्ञा चक्र कैसे जागृत होता है, सहस्त्रार चक्र कैसे जागृत होता है, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो हमारे साधु संत हुआ करते थे, मूलाधार से सहस्त्रार तक की काम बीज, ब्रह्मा बीज तक की यात्रा को महायात्रा कहते हैं, और ऋषि मुनि इसी मार्ग को पूर्ण करते हुए परम लक्ष्य तक पहुँचते हैं। जीव सत्ता प्राण शक्ति निवास जन नेन्द्रिय मूल है। ब्रह्मा सत्ता का निवास ब्रह्मालोक में, ब्रह्मा रंध्र में माना गया है। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का सूर्य इसी लोक में निवास करता है। सभी किसी भी महाविद्या की दिव्य साधना के मार्ग से आप आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। इन सात चक्रों के बारे में सद्गुरुदेव महाराज ने क्या दिव्य ज्ञान बताया आप सभी को, इस वीडियो में वो भी मैं बताने वाला हूँ। एक ही दरबार खुल गया ना तो खुद समझ में आने लगेगा, वही कुंडलिनी महाशक्ति का रास्ता है, वही मूलाधार चक्र, वही गणेश जी का वास है। मूलाधार स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशोध, अज्ञा चक्र, ये छह चक्र है। ये भी चक्र जागृत हो गया तो तुम तो भगवान के बराबर पावर हो जाओगे तुम। और इनके लिए करने के लिए होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो वो हमारा जो मन मंदिर है और वहीं ट्रांसमीटर लगा हुआ है, वहां से डायरेक्ट ट्रांसमीटर लगा हुआ हमारे मन मस्तिष्क पर। मन मस्तिष्क में 15,00,000 करोड़ ट्रांसमीटर है। अब तुम साधना करके कितनी ऊर्जावान बन सकते हो और कितने मीटर जागृत कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर निर्भर कर सकता है। जिसका गुरु वीर तो उसका चेला महावीर होता है। नहीं तो जा का गुरु वहां धरा, चेला निपट निरंधर, अंधे को अंधा ठेलिया, दोनों को ऊपर। तो अब हम जो साधन भजन करेंगे उससे जो विद्युत ऊर्जा हो तो चलेगी हमारी श्वास और प्रश्वास, और जो अष्टदल कमल हमारे जब चलेंगे और ऊर्जा बनेगी, या तो उस ऊर्जा को कहाँ खर्च करोगे, कहाँ लगाओगे, किसका चिंतन करोगे, यदि ये ज्ञान मालूम नहीं तो फिर रिटर्न करंट मारेगा तुम।